Hello. Hi. Oh my God. सुबह के 10 बज रहे हैं और ये हमारा जो है होम स्टे है। ये बगल में रोड और आगे इसके जो है नैनीताल लेक है। अब यहाँ से निकलना है, एक घंटे के करीब तक नैनीताल लेक पर रहूँगा और उसके बगल में जो बस स्टैंड है वहाँ पर जाना है और वहाँ से अब अगली जो सवारी रहेगी अल्मोड़ा के लिए, वहाँ से बस पकड़कर अल्मोड़ा की तरफ निकलना है। ये पीछे बैग, आगे बैग, बैग से पूरा शरीर जो है भरा हुआ है। धूप हुई है आज, कल जो है उतनी धूप तो नहीं थी, कल तापमान काफ़ी गिर गया था लेकिन आज धूप हुई है। ठीक है, अब चलते हैं बाहर, कुछ खाते पीते हैं, इसके बाद मिलते हैं नैनीताल लेक के तट पर आपसे। इस यात्रा की एक और नई जर्नी, एक और नया वीब्लॉग, इस वीब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। समय अभी यही कोई 11 बजने को हैं और ठंडी ठंडी है, मुझे लगता है 12-13 डिग्री सेल्सियस। और ये लेक है और वो पीछे पहाड़ ये दिख रहा होगा आपको, उस पहाड़ पे पूरी की पूरी बर्फ़बारी कल हुई और बर्फ़ देखिए जमा हुआ भी है। फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं उस पहाड़ की खूबसूरती को, जो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे सभी फ़ोटोज़ जो है अपलोड होंगे धीरे धीरे। और एक नए वीब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो है मेरे पास ये बैग, ये छोटा वाला बैग, दोनों बैग भी पैक्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नई जैकेट और पुरानी वाली वो जैकेट उसके ऊपर बांध दिया हूँ, क्योंकि बड़े वाले बैग में जगह नहीं थी, रात में कंबल निकाला था तो फिर से रखते समय जो है पूरा का पूरा बैग भर गया, तो उसके पीछे बांध लिया हूँ। खैर व्यवस्थित तरीके से वो बंधा हुआ है, कोई बात भी नहीं है। अभी बैठा हूँ यहाँ पर, नैनीताल लेक है ये, ये देखिए खूबसूरती, बहुत ही गजब की खूबसूरती है। कल वाले वीब्लॉग जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो बिना किसी लाग लपेट के जाएं चैनल पे, दोनों वीब्लॉग जो है कल के अपलोड हो चुके होंगे जब तक ये वीडियो आ रही होगी। और वो वीडियो तो बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल के हैं, क्योंकि वो तो पहला एक्सपीरियंस रहा और ये वीडियो भी बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। तकरीबन अभी मुझे लगता है आधे घंटे मुझे और रुकना चाहिए यहाँ पे, और आधे घंटे बाद चलूँगा बस स्टैंड और वहाँ से बस पकड़कर या और दूसरी सवारी, मुझे तो बस ही सही लग रही है, बस पकड़कर चलना होगा अल्मोड़ा। पीछे जो है अल्मोड़ा बाज़ार है और इस साइड जो है माउंटेन्स का व्यू है। अल्मोड़ा बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, मैंने सोचा कि जो है एकांत में चल के वीडियो बनाएं, तो ये पीछे अल्मोड़ा बाज़ार और ये बगल में जो है माउंटेन व्यू, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैं कह लें तो बाज़ार ही है।
नैनीताल के टैक्सी स्टैंड से मैंने जो है उसके ही बगल में टैक्सी स्टैंड है, जैसे ही लेक है उसके बगल में टैक्सी स्टैंड है और उसके थोड़ी सी बगल में बहुत से टैक्सियाँ खड़ी रहती हैं और बस भी होता है। आपको आना पड़ेगा बवाली मोड़। बवाली मोड़ के लिए बसें तो नहीं आती हैं, टैक्सी लगी रहती हैं, तो वहाँ से आप उनको 20 रुपये देंगे और आप आ जाएंगे बवाली मोड़। बवाली मोड़ ऐसे करके है, आप पूछ लेंगे अल्मोड़ा के लिए तो बता देंगे। आप जैसे ही बवाली मोड़ आएंगे वहाँ बसें खड़ी रहती हैं स्टैंड पे और वहाँ से मिल जाएंगी आपको अल्मोड़ा के लिए बसें। बसें बहुत कम मात्रा में चलती हैं पहाड़ों पे, मैदानी क्षेत्रों जैसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पे अगर 30 किलोमीटर भी जाना है तो आप उसके लिए 2 से 2.5 घंटे आराम से रख लीजिए। टैक्सियाँ आपको मिल जाएंगी बवाली मोड़ से अल्मोड़ा के लिए। मैंने दिया, मुझसे मांग रहा था 150 रुपये, मैंने 100 रुपये में फिट किया और मैं आ गया अल्मोड़ा। समय हुए हैं 2:40 और अब मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ टैक्सी और टैक्सी पकड़ कर जाऊँगा किसार देवी। किसार देवी इसलिए क्योंकि वहाँ से माउंटेन का व्यू माशाल्लाह बहुत ही गजब, और यहाँ से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ माउंटेन है, उसके ऊपर पूरी बर्फ़ है, लथपथ माउंटेन और उसके ऊपर धूप एकदम सोने की तरह चमक रही माउंटेन। तो केसार देवी चलते हैं, वहाँ से माउंटेन का व्यू देखते हैं। तो बिना देरी के अब चलते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 से 5 बजे के बाद सवारियाँ बहुत कम मिलती हैं इधर उधर जाने के लिए। और इसी दिन मुझे यहाँ से केसार देवी से वापस आना है और वापस आकर यहीं से बस पकड़ना है और यहाँ से बस पकड़कर मुझे जाना है रानीखेत। तो आज की यात्रा तो बहुत ही दिलचस्प हो रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी यात्राएं एक दिन में कैसे हो सकती हैं, वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में। खैर हो रही है तो अब मज़ा ही लेना है, आप भी मज़े लीजिए। तो अब यहाँ से केसार देवी से फिर यहाँ और अल्मोड़ा मतलब, और फिर यहाँ से रानीखेत चलते हैं। दस किलोमीटर का यह सफ़र बहुत ही बेहतरीन रहा। कसार देवी टेम्पल से जो बेहतरीन माउंटेन का नज़ारा दिख रहा है आप उसे भी देखिए। और धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ टेम्पल की तरफ और दिखाते हैं कि मंदिर यहाँ कैसा है। उत्तराखंड में आपको मंदिर बहुत मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा, हर 5-10 किलोमीटर पे मंदिर मिलेंगे। और ठहरने के लिए यहाँ पर आपको धर्मशाला भी मिलेगा बेहद किफ़ायती दाम में। तो अभी तो पिछले वाला दिन जो मतलब कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आर समाज के एक धर्मशाले में एक दिन बिताया। और फिलहाल तो आज इस यात्रा की दूसरी दिन है, ये पीछे चढ़ाई, वहाँ से चढ़ते हुए आ रहा हूँ। खैर ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, मेरे हिसाब से 150 मीटर की है। तो चढ़ाई हमने चढ़ ली है, माउंटेन यहाँ से बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन। ऐसा माउंटेन, ऐसा व्यू इससे पहले मैंने सिर्फ पिक्चरों में देखा था। मंदिर का यह जो है दूसरा गेट है, 150 मीटर आने के बाद अब जय हो घंटा बज गया भैया। ये पीछे जो रास्ता दिख रहा है उसी रास्ते से मेरा आना हुआ है, कुछ लोग और आ रहे हैं। माउंटेन के इन बेहतरीन फ़ोटोज़ के लिए हमेशा की तरह आप जो है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है फॉलो करिए, वहाँ पे सभी फ़ोटोज आपको मिलेंगे। अपने दोस्तों में वहाँ से धनाधन डाउनलोड करके शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो ये है कसार देवी का पहला मंदिर और ये रहा ये कसार देवी का दूसरा मंदिर। तो केसार देवी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि केसार देवी माँ दुर्गा की ही एक रूप हैं। तो भैया
ये तेजी से बढ़ गया घंटा। कुछ बंदर लोग हैं और मैं हूँ। कुछ मेरे जैसे घूमने वाले थे वो घूम कर गए, कुछ लोग शायद आ भी रहे होंगे। ये बगल में बंदर, ये पीछे पूरा बंदर। मंदिर बहुत ही भव्य है, ये पीछे मंदिर दिख रही होगी आपको। ये एकदम बर्फ लदे हैं हिमालय की चोटियों पर, और उसके ऊपर सूर्य की रोशनी। अरे बाप रे, बैग के पास गया। ओहो, क्या करेगा, मत कर भाई, लौट आया। तो अब फिलहाल दर्शन हो गए हैं, घूम भी लिए हैं पूरा, अब यहाँ से चलते हैं। बेहतरीन नज़ारा था, बहुत से फ़ोटोज क्लिक किए हमने यहाँ के, और हिमालय के जो फ़ोटोज थे उसे भी क्लिक किए। आप उसे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं या फिर मेरे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को नहीं फॉलो किया है तो बिना देर किए जाइए, फेसबुक पर अमित सिंह पालीवाल, इंस्टाग्राम पर अमित सिंह पालीवाल और ट्विटर पर भी अमित सिंह पालीवाल। तो मैक्सिमम जगह जो है मेरा नाम जो है अमित सिंह पालीवाल नाम से, यूजर नेम से अकाउंट्स हैं। आप वहाँ पे अपना जो है संपर्क बनाइए, मुझे मैसेज करिए, कोई भी पूछताछ करनी हो, कोई भी डाउट हो, या फिर चैनल पर वीडियो संबंधित कोई भी इंक्वायरी हो तो बेझिझक मैसेज कर दीजिए। ये सीढ़ियाँ, शाम के 4:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। यहाँ पे 5 बजे के बाद कोई साधन नहीं मिलता है, तो रानी खेत के लिए मुझे साधन भी लेनी है, और यहाँ से रानी खेत के लिए मुझे शायद जाना पड़े अल्मोड़ा, जहाँ से मैं आया, फिर मुझे वापस वहीं जाना पड़े। तो यहीं से मिल जाता है कि वहाँ से अल्मोड़ा से मिलेगा रानी खेत के लिए, अब तो ये देखना होगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो वहाँ लोगों से पूछेंगे और जो समझ में आएगा करेंगे। चलिए चलते हैं, इस वी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है कि आपको पहाड़ की चढ़ाई पसंद आई होगी और माँ केसार देवी का टेंपल भी पसंद आया होगा और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। ये देख लीजिए ऊपर टेंपल और मैं, और ये पीछे मतलब सामने जो है रोड है। तो चलिए, बाय बाय।